कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ते ही दिल्ली में पानी को लेकर सियासत तेज हो चली है। गुरुवार को राजधानी पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पानी की किल्लत और गंदे पानी को लेकर प्रदर्शन किया। सदर बाजार बाराटूडी चौक पर पानी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। भाजपा ने पानी की कमी के खिलाफ मटका फोड़ अभियान की शुरुआत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने इस अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि मटका फोड़ अभियान की अभी शुरुआत की गई है। आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय और दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय पर मटके फोड़े जाएंगे। इस दौरान भाजपा नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पानी टैंकर माफिया के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पानी टैंकर माफिया के लिए काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों का मुनाफा टैंकर माफियाओं को दिया जा रहा है। पूर्व राज्यसभा सांसद गोयल ने कहा कि दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली सरकार पानी को लेकर वादे कर रही है, पर दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा है। जिन इलाकों में पानी मिल भी रहा है, वहां गंदा पानी मिल रहा है। ने अभी मटके फोड़े हैं, लोग केजरीवाल को फोड़ेंगे, इसलिए कि जिस मुख्यमंत्री ने 2013 से लेकर 19 तक हर साल वादा किया कि हम नलों में पानी देंगे, आज नलों में पानी नहीं आ रहा है। और जहाँ 2 घंटे भी सिर्फ पानी आता था ना, वो 20 मिनट भी नहीं आ रहा पानी। और जो आ रहा है ना, वो इतना गंदा आ रहा है कि उसको पी नहीं सकता आदमी, को कोविड हो जाएगा यार। मैंने इसलिए लोगों से अपील किया कि पानी को उबाल कर पिएं। दिल्ली को 3300 मिलियन लीटर पानी की जरूरत होती है, ये 2000 मिलियन भी नहीं दे पा रहे। कारण क्या है? सारा पानी का प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने पाइपलाइन नहीं बिछाई। पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाई? क्योंकि पाइपलाइन अगर नहीं बिछाएंगे तो टैंकरों से पानी देंगे, टैंकरों से पानी देंगे तो टैंकरों वालों से पैसा वसूल करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। 80 करोड़ रुपया ये टैंकर माफिया उसको दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। इस कड़कती धूप के अंदर जिस तरीके से लोग मर रहे हैं बेचारे, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये जो हमारा आंदोलन है, ये आगे तक जाएगा, पानी का आंदोलन। सर, सदर बाजार और नदी करीम जैसे एरिया के अंदर पानी नहीं है, मगर वाटर कहते हैं बोरिंग लाइन की जो पाइपलाइन है वो बिछा दी गई है, मगर पानी फिर भी नहीं दिया जा रहा। अरे भैया, पानी सदर बाजार, पहाड़गंज, मोतिया खान, पश्चिम बिहार, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, कहाँ पर आ रहा है पानी मुझे बताइए। सारी दिल्ली सोशल मीडिया पे डाल रही है कि हमारे यहाँ पानी आ नहीं रहा। अगर 5 मिनट आया तो वो भी इतना गंदा पानी आ रहा है जितना आप फोटो में देख रहे हैं कि काला जहर निकल रहा है वो। इसलिए केजरीवाल सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया करके दिल्ली पर ध्यान दो। उत्तराखंड, पंजाब, यूपी के चुनावों की तरफ मत जाओ, पहले दिल्ली। देखिए, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करने जरूरी हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता के अंदर इतना आक्रोश है इस कोरोना महामारी के कारण, वो बाहर नहीं निकल पा रही। लेकिन उनकी आवाज़ को कौन पहुंचाएगा? एक तरफ तो कोरोना की महामारी, ऊपर से गंदे पानी की बीमारी, दिल्ली की जनता क्या क्या झेले। दिल्ली सरकार ने कहा था हम साफ पानी देंगे, हम घर घर में टोटी देंगे, हम पानी आपके घर पहुंचा देंगे। ना टोटी पहुंची, ना पाइप पहुंचा, ना पानी पहुंचे तो खाली मटके पहुंचे। ये खाली मटके आने वाले समय में केजरीवाल जी के घर जाने वाले हैं, हम उनको चेतावनी दे रहे हैं। ये सांकेतिक धरना है, आगे आने वाले समय में अगर वो नहीं हमारे दिल्ली की जनता को पानी दिया, तो चाहे जल बोर्ड है, चाहे मुख्यमंत्री निवास है, चाहे सचिवालय, हम सभी जगह जाएंगे और दिल्ली की जनता के हित के लिए, उनको पानी दिलाने के लिए इस लड़ाई को और तेजी से लड़ेंगे।